तो आज की इस वीडियो में मैंने नवरात्रि के लिए ये ब्यूटीफुल सा गरबा डेकोरेट कैसे किया है वो बताने वाली। सबसे पहले मैं एक घड़ा लेके आई थी और उसमें छेद नहीं थे, तो पहले मैंने छेद किए। ढक्कन मुझे ऊपर घूमट टाइप चाहिए था, तो मेरे पास एक कोड़ी रखी थी, उसे उल्टा किया। उसके ऊपर मेरे पास एक दिया था, वो दिया रखा। उसके ऊपर मैंने आई ड्रॉपर का एक ढक्कन था, उसे रख दिया, तो मुझे ये घूमट टाइप ढक्कन मिल गया। अब हम इन सभी को व्हाइट कलर करेंगे ताकि ऊपर से जो हम कलर करेंगे वो उभर के आए। व्हाइट कलर हो जाने के बाद उसके ऊपर मैं रेड कलर कर दूंगी। कलर ड्राई होने के बाद अब हम डेकोरेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ली है डायमंड लेस, तो लेसेस को मैंने घड़े के गले पे और नीचे के भाग पे अटैच कर दिया है। उसके बाद हम माता जी का तिलक बनाएंगे। बॉर्डर पे मैंने गोल्डन हाफ कट बीट्स यूज किए हैं और मेरे पास ये स्टोन रखा था, तो इसको मैं इसके बीच में अटैच कर दूंगी। नेक्स्ट मैंने माता जी की 7 आईज क्ले की मदद से बनाई है, 1x1 करके वो भी मैं अटैच कर दूंगी। इसके बाद माता जी का हार बनाने के लिए मैं ये लेस का यूज कर दूंगी। और मटके के बॉर्डर पे मैंने व्हाइट हाफ कट बीट्स यूज किए हैं। मैंने जो डायमंड लेस लगाई थी उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेस अटैच कर दूंगी। अब लेस ड्राई हो जाने के बाद उसके ऊपर मैं राउंड मिरर्स अटैच कर दूंगी। अब सारी खाली जगह पे मैंने गोटा पत्ती के लेस को क्रिस क्रॉस की शेप में लगा दिया और उसके बीच में बड़े वाले हाफ कट बीट्स अटैच कर दूंगी। तो कुछ इस तरह हमारा गरबा डेकोरेट हुआ है। ढक्कन पे मैंने मिरर्स लगाए हैं, 3D लाइनर की मदद से डॉट वर्क किया है और लेस और पॉम्पॉम्स लगा के ढक्कन रेडी कर दिया है। तो कुछ इस तरह हमारा गरबा दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर जाना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।